नॉलेज केयर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, एक लंबे समय अंतराल के बाद, लंबे इंतज़ार के बाद, हर माह, हर सप्ताह, अगले महीने, अगले सप्ताह अखबार में आने वाला जो वैकेंसी था, जी हाँ, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, थर्ड CGL की। जी हाँ, तृतीय स्नातक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन अल्टीमेटली, क्या कहते हैं इसको, इवेंचुअली आखिरकार आ ही गया। और ये आपका 14 अप्रैल से आपका स्टार्ट होगा आवेदन, और 17 मई तक चलेगा। हालांकि ये डेट जो है थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा, क्योंकि जानते ही आप कि राजस्व वसूलने का कितना अच्छा जरिया होता है कोई भी वैकेंसी निकालना। लाखों फॉर्म आएंगे, लाखों पैसे आएंगे। तो चलिए उनसे आप डिटेल्स में नहीं बात करेंगे। अभी जो 2014 की जो बहाली है इंटर लेवल की, फर्स्ट इंटर लेवल की, उसका अभी तक क्या कहते हैं, उसका अभी तक अंतिम परिणाम नहीं आया है। हाईकोर्ट में है मामला NCL का। चलिए उसके मुद्दे को छोड़ते हैं, अभी हम बात करते हैं CGL 3 की। तो एक लंबे इंतज़ार के बाद ये वैकेंसी आई है। अब देखते हैं इसके लिए कौन कौन आवेदन कर सकते हैं। तो नाम से ये स्पष्ट है, स्नातक स्तरीय है, तो जो लोग ग्रेजुएट हैं उनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। बहुत लंबे समय से इंतज़ार भी कर रहे थे, बहुत दिनों से पेपर में भी आ रहा था। तो सचिवालय सहायक, जो सबसे बढ़िया पोस्ट कहा जाता है इसका, सचिवालय सहायक जो है उसमें कुल 1360 पद हैं, और इसमें जो है 35% महिलाओं का आरक्षण है। जो नीचे वाला आप देख रहे हैं वो आरक्षण का पद है 460। उसके बाद दूसरा जो पोस्ट है वो है प्लानिंग असिस्टेंट का, योजना सहायक का। इसमें कम सीट रहते हैं, बहुत अच्छी पोस्ट है, 125 सीट है इसमें, ठीक है। उसके बाद तीसरा है आपका मलेरिया निरीक्षक का, जिसको मलेरिया इंस्पेक्टर भी कहा जाता है, ठीक है, इसमें 74 पोस्ट हैं। उसके अलावा चौथा है आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर का, Grade C लेवल का पोस्ट है, और ये मात्र 2 ही पोस्ट है, जिसमें लगभग एक जनरल कैटेगरी में है और एक EBC में है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में ही है, ठीक है। पांचवा जो पद है अंकेक्षक का पद है, जो कि कार्यालय निबंधक संयुक्त समिति में होते हैं, लेवल 5 का ये पद है, और इसमें कुल 256 सीट है। तो कुल 5 प्रकार के पोस्ट जो हैं CGL के थ्रू निकाले गए हैं। सबसे ज़्यादा जो मोस्ट प्रेफरेंस्ड पोस्ट है वो सचिवालय सहायक का है, और दूसरे नंबर पर आएगा योजना सहायक, तीसरे नंबर पर मलेरिया निरीक्षक। ये तीनों पोस्ट ज़्यादा मोस्ट वैल्यूएबल हैं, और ज़्यादा फोकस सबका इन्हीं पर रहेगा। लास्ट में अंकेक्षक भी हैं, ठीक है। और इसके अलावा और भी है, एक और पोस्ट है अंकेक्षक का ही, एक और पोस्ट है, ये आपका जो है इसके लिए जो है स्नातक होना चाहिए वाणिज्य अर्थशास्त्र से, या जिन्होंने स्टैटिक्स या गणित में किसी एक विषय से स्नातक किया है उनके लिए भी है। तो ये स्पेशल हो गया, अंकेक्षक वाला जो पद है 370 सीट है, ये स्पेशली जो उन्होंने ग्रेजुएशन किया है मैथ से या स्टैटिक्स से उनके लिए है, या इकोनॉमिक्स या कॉमर्स से किया उनके लिए है। बाकी चीज़ में देखते हैं, ये जो डाटा एंट्री का है इसमें आप देखेंगे तो इसमें स्नातक के साथ जो है मान्यता प्राप्त संस्थान से PGDCA या BCA डिग्री वालों के लिए है, या BSc जिन्होंने किया है IT से, या तो आपने BCA किया है या BSc IT किया है, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, तो वो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अवेलेबल होंगे। अंकेक्षक के लिए स्नातक गणित के साथ या वाणिज्य स्नातक होना चाहिए। तो अंकेक्षक वाले पद उनके लिए हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स से ग्रेजुएशन किया है। मलेरिया सब इंस्पेक्टर के लिए साइंस से होना चाहिए। तो आप ऑलमोस्ट देख सकते हैं कि मलेरिया सब इंस्पेक्टर और अंकेक्षक मूल रूप से साइंस बैकग्राउंड वाले छात्रों के लिए है। तो जो मेन आपका जो 2 पोस्ट बजाता जनरली ग्रेजुएशन वालों के लिए वो है सचिवालय सहायक और योजना सहायक, ठीक है। सचिवालय सहायक और योजना सहायक में ग्रेजुएट होना चाहिए, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से हो, किसी भी फील्ड से हो, चाहे वो आर्ट से हो, कॉमर्स से हो या साइंस से हूँ। बाकी अंकेक्षक का जो पद है वो आपका साइंस बैकग्राउंड वाले का ही है, क्योंकि मैथ्स जिन्होंने किया या कॉमर्स से, सॉरी कॉमर्स वालों का भी है, इसमें कॉमर्स वाले भी भाग ले सकते हैं, ठीक है, कॉमर्स वाले और इकोनॉमिक्स वाले भी भाग ले सकते हैं, माफ़ कीजिएगा। लेकिन डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए फिर BCA और BSc IT वाले ही इसमें भाग ले सकते हैं, कम पोस्ट है, 2 ही सीट है इसमें। अब आइए न्यूनतम आवेदन के लिए, तो हमने बात कर लिया लेकिन हमने पोस्ट वाइज भी देख लिया। आरक्षण की बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आरक्षण के लिए जो भी दावा है उसको ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि उसी मुद्दे को लेकर अभी जो है NCL का मुद्दा, इंटर लेवल के NCL का मुद्दा जो है लटका हुआ है, क्योंकि विज्ञापन में अस्पष्टता नहीं थी और
इतना लेट जो हुआ 2014 से बहाली लेट चला, इसकी वजह से भी बहुत सारे छात्र उस डॉक्यूमेंट को नहीं रख पाए या नहीं हो पाया उनसे। इसलिए यहाँ पर आरक्षण का मुद्दा बहुत ध्यान से रखेंगे। आरक्षण के लिए यहाँ पे कहा गया है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में दावा किए गए आरक्षण श्रेणी में किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाएगा और इस संबंध में किसी भी आवेदन पर भी विचार नहीं किया जाएगा। गलत आरक्षण का दावा करने पर उन्हें अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि अनारक्षित श्रेणी में माना जाएगा। आरक्षित कोटे के अभ्यर्थी अपनी जाति के अनुरूप पूरी तरह से जब संतुष्ट हो लेंगे, यानी कि आप अपने आरक्षण किस कोटे में आप आते हैं उससे संतुष्ट हो लेंगे, उसके बाद ही उसी के अनुरूप आपको आवेदन करना होगा। यहाँ पर लिखा गया है कि दावा ऑनलाइन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे एवं ऑनलाइन आवेदन करते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत वांछित प्रमाण पत्र उपलब्ध होना चाहिए। यानी कि जिस समय आप आवेदन कर रहे हैं उसी समय आपको ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये बातें इंटर लेवल वाले विज्ञापन में नहीं लिखी गई थी, वहाँ पर सिर्फ यह ऐसा लिखा गया था, मतलब डिफाइन में गड़बड़ी थी, वहाँ पर स्पष्टता में कमी थी। वहाँ पर यह लिखा गया था कि ऑनलाइन आवेदन करते समय यह आवश्यक नहीं है, लेकिन आपको जो है मतलब काउंसलिंग के समय मांगा जाएगा। लेकिन यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि ऑनलाइन आवेदन करते समय ही आपके पास क्या होना चाहिए, ये प्रमाण पत्र उपलब्ध होना चाहिए जिस कैटेगरी के अधीन आप अप्लाई कर रहे हैं। यानी कि अगर आप एनसील के थ्रू नॉन क्रिमिनल के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो ये सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। एससी एसटी बैकग्राउंड वाले के लिए जो है वो क्या करना होगा, उनके लिए राज्य से अधिसूचित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा। संबंधित प्रमाण पत्र को काउंसलिंग के समय प्रस्तुत करना होगा, ठीक है, काउंसलिंग के समय प्रस्तुत करना होगा, ये बात यहाँ पर भी लिखा हुआ है। फिर यहाँ लिखा हुआ है कि पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के आरक्षित उम्मीदवारों के लिए अपने अस्थायी अधिवास राज्य सरकार द्वारा, यानी कि जो स्टेट में होते हैं उन्हीं को मिलता है, जानते हैं आप आरक्षण का लाभ, तो निर्गत क्रिमिलेयर रहित प्रमाण पत्र मान्य होगा। ऑनलाइन आवेदन समर्पित करते समय क्रिमिलेयर रहित प्रमाण पत्र अभ्यर्थियों के पास भौतिक रूप से उपलब्ध होना अनिवार्य। देखिए यहाँ पर लिखा गया स्पष्ट रूप से कि आपके पास ऑनलाइन करते समय ही आपके पास एनसीएल सर्टिफिकेट होनी चाहिए जिसकी निर्गत संख्या तिथि सहित ऑनलाइन आवेदन के निर्देश कॉलम में। ये देखिए बहुत बड़ा सुधार, बहुत अच्छा कदम उठाया गया है किसी भी लफड़े से बचने के लिए, क्योंकि इसी समय आपसे डॉक्यूमेंट नंबर मांग लिया जाएगा। तो जैसे ही डॉक्यूमेंट नंबर मांग लिया जाएगा तो जिनके पास रहेगा वो देंगे और जिनके पास नहीं रहेगा वो आवेदन ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा किया है स्पष्टता रखने के लिए, इससे किसी तरह का विवाद नहीं होगा, ये आयोग ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन में अंकित क्रिमिलेयर रहित प्रमाण पत्र को काउंसलिंग के समय मूल में प्रस्तुत करना पड़ेगा, ठीक है, वहाँ पे आपको मूल में दिखाना होगा। एक वर्ष से अधिक पुराने क्रिमिलेयर रहित प्रमाण पत्र की स्थिति में विहित प्रपत्र 18B में स्वघोषणा समर्पित करना होगा। काउंसलिंग के समय उक्त प्रमाण पत्र घोषणा पत्र समर्पित नहीं करने पर अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। यानी कि अगर आपके पास उस समय नहीं रहेगा तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। जो डॉक्यूमेंट आपसे अभी आवेदन के समय, चूँकि आवेदन संख्या सर्टिफिकेट नंबर आपसे लिया जाएगा तो वही आपको दिखाना पड़ेगा, यानी कि उसको आप सुरक्षित रखेंगे। आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति या क्रिमिलेयर रहित प्रमाण पत्र जो है उनके पिता के नाम से निर्गत होना चाहिए, उनके पति के नाम पर या पति के पता से नहीं होना चाहिए, पिता के नाम पर और पिता के पता के आधार पर होना चाहिए, ठीक है। सामान्य प्रशासन विभाग जो है इस आलोक में जो है जारी प्रक्रिया के बीच आरक्षण कोटे में सुधार या बदलाव नहीं किया जा सकता है। अतः प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने के अंतिम तिथि तक जो अभ्यर्थी जिस आरक्षण श्रेणी में होंगे वही मान्य होगा, ठीक है। बाद में जो भी बदलाव होगा, जैसे बहुत सारे लोगों का कैटेगरी चेंज हो गया था 2014 में अप्लाई करने के बाद ही, तो ये सारी बातें हैं यहाँ पर। और दिव्यांगता के लिए जो बातें हैं उसको पढ़ेंगे, उसके अलावा स्वतंत्रता सेनानी और इनके लिए है ये सारी चीज़ें, जो स्पेशल कैटेगरी के लोग हैं उनको पढ़ना चाहिए। अच्छे से डिटेल्स को पढ़िए, अपने से भी पढ़िए और संतुष्ट हो लीजिए, उसके बाद ही आवेदन करें। अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन करते समय किए गए दावे के अनुसार सभी प्रमाण पत्रों का प्रमाण पत्र वार नंबर तिथि निर्गत करने वाले सक्षम प्राधिकार का पदनाम ऑनलाइन आवेदन में अंकित किया जाना अनिवार्य है। बहुत अच्छा सा ये काम किया गया है ताकि
बाद में किसी तरह का विवाद नहीं होगा। मुख्य परीक्षा के आवेदन में यही विवरण ऑटोमेटिकली प्रिंटेड रहेंगे। काउंसलिंग के समय ऑनलाइन आवेदन में अंकित प्रमाण पत्रों को ही मूल में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त वर्णित मूल प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत करने के लिए काउंसलिंग के बाद कोई समय देय नहीं होगा। यानी कि आपसे अभी ही सारे डॉक्यूमेंट किन्होंने इशू किया है, डॉक्यूमेंट का क्या सीरियल नंबर है, डॉक्यूमेंट नंबर, सर्टिफिकेट संख्या, ये सारी चीज़ें ले ली जाएगी, ताकि इससे फर्जीवाड़ों से भी बचा जा सकेगा और सबसे बड़ी बात जो है किसी तरह का विवाद नहीं होगा। अभ्यर्थी की उम्र सीमा की गणना जो है 1/8 यानी कि 1 अगस्त, मेरे ख्याल में अगस्त हो गया ना, 1 अगस्त के आधार पर की जाएगी, परंतु वैसे अभ्यर्थी 2021 के आधार पर की जाएगी जो दिनांक 1/2/2015 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हों एवं उक्त तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारण करते हों, वे भी उम्र सीमा के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग इसके आधार पर पात्रांक होंगे। यानी 1 अगस्त जो है 2021 रखा गया है, क्योंकि ये बहाली बहुत पहले आ जानी चाहिए थी, इसलिए 2021 इसका रखा गया। तो न्यूनतम आयु जो है 21 वर्ष होना चाहिए, अधिकतम आयु 37 वर्ष, अनारक्षित वर्ग पुरुष के लिए, अनारक्षित वर्ग महिला के लिए 40 वर्ष, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 40 वर्ष और SC/ST पुरुष महिला वर्ग के लिए 42 वर्ष रखा गया है। ये मैक्सिमम है और जो छूट दी जाती है वो छूट भी इसमें लागू है, ठीक है। परीक्षा शुल्क की बात कर रहे हैं तो ये देखिए, परीक्षा शुल्क सामान्य वर्ग या पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी के लिए 540 रुपया, SC/ST के लिए 135 रुपया, बिहार के स्थायी निवासी के लिए, सभी श्रेणी के दिव्यांगों के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति के समान ही 135 रुपया, सभी श्रेणी की महिलाएं जो सिर्फ बिहार के स्थायी निवासी उनके लिए 135 रुपया, बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 540 रुपया दिया जाएगा। परीक्षा शुल्क की राशि पर प्रक्रिया शुल्क एवं सेवा कर सर्विस टैक्स अभ्यर्थी द्वारा अलग से, यानी कि इसके अलावा आपसे सर्विस टैक्स भी लिया जाएगा, 540 प्लस लगेगा, यानी कि मान के चलिए 600 के अप्रोक्स आपका लग जाएगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात परीक्षा शुल्क ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के आधार पर किया जाएगा, यानी ऑनलाइन भी कर सकते हैं। परीक्षा की प्रकृति कैसी होगी, बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली के आलोक में 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। अरे 40,000 का यहाँ तो कम से कम आवेदन आएगा तो 7-8 लाख आएगा, कम से कम बोल रहे हैं। विभिन्न चरणों में, चूँकि 3 साल से इतना ज़्यादा ग्रेजुएट लड़के इकट्ठे हैं और इस बहाली का अच्छे से इंतजार करना है, चूँकि ये ऑब्जेक्टिव मोड में 4600 ग्रेड पे का बहाली कहीं भी नहीं अवेलेबल है, बीपीएससी का छोटा भाई मान सकते हैं इसको। प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी और प्रारंभिक परीक्षा में 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। बिल्कुल सही, अच्छा करेंगे, 5 गुना ही करेंगे आप। प्रारंभिक परीक्षा जो है सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान और गणित और मानसिक क्षमता जाँच, ठीक है, 3 सब्जेक्ट से होगा। प्रश्न वस्तुनिष्ठ या बहुविकल्पीय होंगे और कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी। प्रत्येक सही के लिए 4 अंक दिए जाएंगे और गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। परीक्षा होगा 2 घंटे 15 मिनट का, ठीक है, और किसी भी तरह का प्रश्न में अगर त्रुटि है तो उसके लिए अंग्रेजी फॉन्ट है उसका मान्य होगा। बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा जो पुस्तक के साथ ली जाती है परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा जैसे इंटर लेवल में भी लिया गया था, 3 पुस्तक लिए जा सकते हैं, एक ही पुस्तक ले जा सकते हैं एक खंड के लिए, जैसे सामान्य अध्ययन खंड के लिए 1 पुस्तक, गणित के लिए 1 पुस्तक और सामान्य विज्ञान के लिए। ये कुछ ठीक नहीं लगता है, फालतू काम है ये, पुस्तक ले जाना और लेने का आदेश भी देना। अभ्यर्थी परीक्षा का समय साथ ले जाने वाले बाकी चीज़ें नहीं ले जाएंगे, फलना ठिकाना ही। NCERT की बुक ले जा सकते हैं, ठीक है, ये पूरा सिलेबस है, इसको पूरे गौर से पढ़ेंगे सिलेबस के आधार पर। क्वालिफाइंग मार्क्स ये रहेगा, हालांकि 5 गुना ही कहा गया तो कट ऑफ ज़्यादा होने की संभावना है। तो ये रहा आपका कुल माजरा जो कि 17 मई तक आपका ये चलेगा और 17 मई के बाद देखा जा सकता है कि कहीं तारीख में बदलाव हो। तारीख बढ़ने का आसार ज़रूर है, बढ़ेंगे ही, जो कि आवेदन से ढेर सारी राशि जमा होती है और देखते हैं कि इसका एग्ज़ाम कब तक होता है और इसका जो है फाइनल प्रक्रिया कब तक समाप्त होती है, क्योंकि बिहार SSC कोई भी परीक्षा को कंडक्ट करवाने में मिनिमम 4-5 साल ले लेती है और जैसे तो 2014 की बहाली 8 सालों से चल रही है, तो उम्मीद करेंगे कि 2 साल के अंदर ही अगर ये बहाली कंप्लीट हो जाए तो छात्रों के लिए भला हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और जो सभी लोग इसका इंतज़ार कर रहे हैं
उनके लिए इस वैकेंसी के लिए शुभकामनाएं और जमकर तैयारी करें। धन्यवाद।